नारीवादी बात नारी की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ वनिता रघुवंशी। आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम की, जहाँ मैं लाती हूँ कुछ ऐसी खबरें जो होती तो खास हैं लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। देखेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में। जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में। जानेंगे इंजीनियरिंग की फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में। और आइए अब रुख करते हैं अपने करियर सेगमेंट की ओर और जानते हैं किस तरह करियर के नए विकल्प होने से आधी आबादी को मिल रही है नई सोच। अब वो दौर नहीं रहा जब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी। आज महिलाएं खुद अपने दम पर अपनी पहचान बना रही हैं। बस जरूरत है तो उनको एक मौका देने की। और आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में लड़कियां प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ अपना रुख कर रही हैं, जिससे वो इनमें अपना करियर बनाकर अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। गर्ल्स आर मोर कॉन्फिडेंट, सो देयर आर मेनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स, दे नो प्रॉब्लम फॉर द बिकॉज नाउ टुडे द मोर द टेक्नोलॉजी यू नो, मोर यू नो इज द प्रेजेंस दैट द जॉब इज नीडेड, द पर्सन नोज मोर गेट द जॉब। आजकल तो मार्केट में हर फील्ड में ही गर्ल्स की डिमांड है। हम लड़कियां हैं, हमें भी दिखाना चाहिए कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी दिखाना है कि भाई हम भी कर सकते हैं, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आज की तारीख में आप CS और IT लो, ये दो ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे हर बच्चा अच्छा कर रहा है और देश में, पूरे देश ने IT में अपना नाम रोशन करा है। आज खासकर लड़कियाँ जो IT में कर रही हैं उनके लिए काफ़ी स्कोप है, बाहर जाके भी उनको अच्छा एक एक्सपोजर मिल रहा है। गर्ल्स में क्वालिटी होती है व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने की कोशिश करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा है, जो गर्ल्स देहात से आती हैं उनको एक पहला मौका मिलता है कि वे बाहर आएँ और कुछ करें, और इस पहले मौके को वो बुराना चाहती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस देश की खासकर महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। प्रोफेशनल कोर्सेज में बेसिक्स पर ध्यान देने के लिए इन लड़कियों को एक्सपीरियंस फैकल्टीज, इंटरैक्टिव क्लासरूम सेशंस और हाईटेक लैब्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें वो पढ़ाई के साथ अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल्स में इम्प्लीमेंट कर सके। इसके अलावा कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज इन लड़कियों को रिसर्च वर्क में हेल्प करते हैं। हमारा विजन है अच्छा एक टेक्नोक्रेट क्रिएट करना, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हो अच्छी उनको एजुकेशन मिले, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी हो, ताकि वो एक इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। कल्चरल एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स, विदाउट कल्चरल एक्टिविटी वी कैन नॉट प्रोग्रेस। इस फील्ड में गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर गर्ल्स इस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगी, वैसे भी वो हर फील्ड में अभी आगे बढ़ ही रही हैं, तो इस फील्ड में भी गर्ल्स को आगे होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इन लड़कियों के पर्सनैलिटी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए फंक्शनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों की उन लड़कियों को जो आर्थिक रूप में कमजोर हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करने का मौका दिया जा रहा है। उन्हें एजुकेट करने के साथ उन्हें ओवरऑल ग्रूम भी किया जा रहा है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने में, तो उन्हें फ्री एजुकेशन भी मिलनी चाहिए और उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए और पढ़ाई में उनको रुकावट नहीं आनी चाहिए। सबसे बेसिक हमारी शिक्षा है, शिक्षा के बूते पर ही लड़कियां और हमारे देश की उन्नति हो सकती है। लड़कियां तरक्की तभी कर पाएंगी, आगे तभी बढ़ पाएंगी, जब उनके पेरेंट्स लड़के लड़कियों में फ़र्क करना बंद कर देंगे और लड़कियां ज़्यादा सिंसियर होती हैं। इंडस्ट्रियल विजिट में हमें मतलब ये नॉलेज हो जाती है कि हमें किस तरीके से काम करना है, एक आइडिया हमें मिल जाता है उस चीज़ का। हमारी क्लासेस प्रॉपर वे में चलती हैं, PD क्लासेस वगैरह सब चलती हैं, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं एंड समर ट्रेनिंग वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर हैपन। कहते हैं अगर माँ शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, इसलिए देश के विकास के साथ आधी आबादी का विकास बेहद जरूरी। ऐसे में प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे ये संस्थान इन लड़कियों को सशक्त बनाकर इन्हें देश के डेवलपमेंट में भागीदार होने का मौका दे रहे हैं, जो वाकई सराहनीय है।